महाराणा जी, कुंवर प्रताप के बिजोलिया जाने के बारे में आपने खुद सोचा? धीर भाई जी, सांझ होने के बाद आपके हाथ का मीठा पान खाए बिना बुद्धि कहाँ आती है हमें? बस आपके पान के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं पाते है। शीघ्र लाइए ना। आप ही का पान तो बना रहे हैं राणा जी। आपने हमें बताया नहीं कि कुंवर प्रताप की बिजोलिया जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बार पान तो मुंह में जमा लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे बोल देंगे। राणा जी, हमें लगता है कि आप कुंवर प्रताप को बिजोलिया जाने से साफ साफ मना कर दीजिए। परंतु हमको लगता है धीर भाई, हम बताते हैं, आप कुंवर प्रताप से कहिएगा कि वे भली भांति जानते हैं कि अब हमारा बिजोलिया से कोई संबंध नहीं। ये मेवाड़ का बिचौलिया के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। राजीराज, आपके समक्ष कुछ कहने से पहले हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य। रतन सिंह, कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? आप हमें मेवाड़ क्यों दिखा रहे हैं? हम भली बात ही जानते हैं कि मेवाड़ कैसा दिखता है। आपको पता है कैसा दिखता है? समूचा एकीकृत मेवाड़। कुंवर प्रताप, क्या किया है आपने? हुकुम, यदि हमने इसे जोड़े रखने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा दिखेगा हमारा मेवा। आज बिजोलिया में विद्रोह की हवा बह रही है, पर हमें यह देखना चाहिए कि कल कोई और सामंत प्रदेश हमारे विरोध में हमारे सामने उठ खड़ा ना हो जाए। हुकुम, आप तो जानते हैं इतने वर्षों से हम अपनी सीमाओं को बाहरी ताकतों के विरुद्ध सुदृढ़ करने में व्यस्त रहे, किंतु यदि मेवाड़ के अंदर शांति, विश्वास और एकता न रह पाए तो भला सीमाओं की दृढ़ता का क्या करेंगे? हम जानते हैं हमको कि कई वर्षों से हमारे और बिजोलिया के बीच के व्यक्तिगत संबंध सामान्य नहीं चल रहे हैं, और हमें भी उन्हें पुनर्जीवित करने में कोई रुचि नहीं। हुकुम, हम बिजोलिया जा रहे हैं, वहां की प्रजा क्या है, उनकी समस्याओं के लिए, उनके असंतोष को समझने के लिए। बिजोलिया के किसी भी व्यक्ति से ना तो हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध है और ना रहेगा। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप का कहना एकदम ठीक है। बिजोलिया मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, इस तथ्य से हम भी इनकार नहीं कर सकते, और यदि वहां पर विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन परिस्थितियों की जांच पड़ताल आवश्यक है।
और इस कार्य के लिए राणा जी औजी राज प्रताप से अधिक उपयुक्त व्यक्ति भला और कौन हो सकता। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, है और रहेगा। रहेगा ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए आप। धन्यवाद हुकुम। जय एकलिंग जी। बैठक स्थगित। रावत जी। जी रानी सर। आज की बात तो ठीक है, परंतु राणा जी की बात का उन्हीं के पुत्र के सामने खंडन करना ये हमें अच्छा नहीं लगता, विशेषकर तब जब आप ये करते हैं। जी रानी साहब। अम्मा खड़ी राणा जी। आपके विश्राम का समय हो गया राणा जी। बाहुजीराज, आपके इस वेश में हम आपको पहचान नहीं पाए तो भला अजब देव ऐसा कैसे पहचान पाएंगे। चक्रपाणि, हम उनके लिए अपरिचित थे और अपरिचित ही रहेंगे। चलते हैं। चलो चित्तौड़ को जाकर बताते हैं कि हम कोई अपरिचित नहीं है उनके लिए। बाहुजीराज, हमें एक बात नहीं समझ रही, बिजोलिया के लिए इतने जल्दी जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब वहां पे जो समस्या हो रही है वो एक दो दिन में कौन सी अधिक बढ़ जाएगी? अच्छा, अब समझ आया। अचानक अजब दे भाईसा। नहीं नहीं, अब हमारा मतलब है अजनबी। कहीं अजनबी से प्यार तो नहीं उमड़ रहा है बाहुजीराज? सच कहा किसी ने चक्रपाणि मिश्र, व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानवान क्यों ना, उनकी मूल प्रवृत्तियां कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपकी व्यर्थ बातें करने की प्रवृत्ति आज तक नहीं बदली। हम तुरंत इसलिए निकले ताकि बिजुलिया प्रवेश करने के लिए हमें किसी का साथ चाहिए। किसका साथ चाहिए बाहुजीराज? अभी पता चल जाएगा। भूख के मारे खाली पेट गड़गड़ 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 किए जा रहा है, ऊपर से आखेड़ भी नहीं दिख रहा। फत्ता, लगता है अपनी पेट पूजा के लिए तुझे आखेड़ मिल ही गया। दुर्भाग्य तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा, ऊपर से ये भूख।
बहुत भूख लगी है। अब तुम नहीं बचोगे। तुम तो वही अश्वशाला वाले अश्वरक्षक हो ना? हाँ, और मेवाड़ की धरती पर निरीह जानवरों को नहीं मारने देंगे तुम्हें। यहाँ इतने समय से भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अब क्या माखेड़ भी ना करें, भूखे मर जाए? देखो, हम कहते हैं हट जाओ हमारे सामने से, और हमारे तीर पर सामने से तो हटो। और देखो, बिजोलिया चित्तौड़ की सीमांत क्षेत्र में ही आता है, तो तुम हमें आखेड़ करने से कैसे रोक सकते हो भला? बिजोलिया हो या चित्तौड़, ये सब मेवाड़ ही है, और मेवाड़ हमारी मातृभूमि है। तुम्हारे नियम तुम ही जानो, किंतु हम चित्तौड़ का नमक नहीं खाएंगे। हम तो केवल वही खाएंगे जो हम अपने हथियारों से और अपने पुरुषार्थ से आखेड़ कर अर्जित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे हम 5-5 व्यंजन वाला भोजन करने जा रहे हैं। भोजन अधिक है, अकेले समाप्त नहीं कर पाएंगे। आपका अश्व देखा, सोचा आपको निमंत्रित कर लें भोजन के लिए। अरे रुकिए, रुकिए तो। आप भी ना, छोटी सी बात को लेकर बुरा मान गए। कुछ कह रहे थे वो व्यंजन कितने, 2-3 पांच व्यंजन, पांच मीठा जोड़कर 6 व्यंजन। भाई साहब, हमने आपके कहे अनुसार चित्तौड़ पहुंचने का सबसे छोटा पर सबसे दुर्गम मार्ग चुना है। आप थक गई होंगी, तो इधर विश्राम करना चाहेंगे आप? नहीं, हम बिना रुके एक दिन और चल सकते हैं। अपने भाई की कुशलता की इतनी चिंता है हम। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, माना कि पत्ता क्रोध में होश खो देते हैं, बट मेरा मन करता है जब तक हम चित्तौड़ पहुँचेंगे तब तक वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतनी बुद्धि तो है उसमें। कह नहीं सकते, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अब वैसे शायद आपने मीठे के बारे में भी कहा था, मीठा कहाँ है? मीठा तो यहाँ है। अब यदि एक और मिल जाता तो। हाँ हाँ, ले लो, सारे ले लो। नहीं नहीं नहीं, केवल एक ही। आज तो आनंद ही आ गया। अच्छा तो हम चलते हैं। आपने एक दिन में हमारी जितनी सहायता की है उतनी तो आपके राजा ने इतने वर्षों में भी कभी नहीं की।
पहले तो आपने हमें उन सैनिकों से बचाया। अब जाओ, जाओ शीघ्र ही सिपाही हाथ होंगे। फिर हमें इतना स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन खिलाया। यदि आपके राजा को यह ज्ञात हो गया कि आप साधारण व्यक्तियों के साथ इतना भला व्यवहार करते हैं, तो कहीं वो आपको भी राजद्रोही घोषित ना कर दें। हमें भी इस बात का भय है कि हमारी राज नौकरी चली ना जाए। किंतु क्यों? फिर खाएंगे क्या? घर कैसे चलाएंगे अपना? पानी लीजिए। जी धन्यवाद। हाँ, तुम यही कह रहे थे कि आपका इतना गठीला शरीर है, उसे बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन की आवश्यकता तो लगेगी। हमारी बात माने तो आप चुप करके अपने उसी राजसी नौकरी पर वापस लौट जाए, ठीक है मित्र? मित्र कहा है तो फिर हमें भी ले चलिए अपने साथ बिचुलिया। हम भी तुम्हारे मेवाड़ के राजा और राज परिवार के विरुद्ध हैं, और विशेष रूप से कुंवर प्रताप के विरुद्ध भी। चिंता मत कीजिए, उनके विरुद्ध भी आपके साथ संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे। नहीं मित्र, हम आपको बिचौलिया नहीं लेकर जा सकते। हम बिचौलियावासी किसी भी अपरिचित पर विश्वास नहीं करते। हमारा साथ यहीं तक का लिखा था। आपने हमारे लिए अब तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आप क्या करेंगे? आपकी योजना तो इसे सहारा बनाकर बिजोलिया चलने की थी, पर ये तो मस्त में खा पी के मुंह उठा के चल दिए। जाएंगे, जाएंगे कहाँ? हमारी इच्छा के बिना दस हाथ नहीं जा सकते। ऐसा क्या बात है? हम चित्तौड़ आ चुके हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या बात है बाबूजी राज? कुछ नहीं चक्कर पानी, बस पता नहीं चक्कर पानी, ऐसा लगा जैसे ये हवा अपने संग कुछ पुरानी भूली बिसरी स्मृतियां लेकर आ रही है। कुछ नहीं भाई साहब, ठीक कह रही है, चित्तौड़ में अभी हम। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने वर्षों के बाद भी इतना घुमावदार रास्ता याद रहे क्या आपको? हम कुछ भी नहीं भूले, परंतु इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भाई को हमारी जरूरत है। पत्ता को इस समय हमारी आवश्यकता है, हमें उसे किसी भी मूल्य पर बचाना है। चलो चलिए। बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। अच्छा है मामला जी, आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है, मर गया है हमारा प्रेम।